ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਪਸ ਦਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵਰ ਜਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਜਿਮ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟਸ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਈਲ ਵੀ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਕਆਊਟ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਮ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। सो बिफोर आवर वर्कआउट जिहड़े अपना सब तो इंपोर्टेंट चीज़ हैगी आ वह हैगा वार्म अप। ते वार्म अप दा मेन मोटिव अपना यह हुंदा कि आपां अपने बॉडी ते अपने माइंड नूं रेडी कर दिए फॉर द वर्कआउट अहैड। बिकॉज जदों आपां घरे बैठे हुंदे आ वी आर काइंड ऑफ लेजी, है ना, ते अपना जिहड़ी बॉडी हुंदी आ दैट इज़ नॉट इन एन एक्टिव स्टेट, राइट। सो वैन यू गो टू द जिम फस्ट अपना जिहड़ा मोटिव होना चाहिए कि आपां अपने माइंड नूं उस स्टेट विच लैके आईए ताकि अपना अपना वर्कआउट परफॉर्म करन लई। अदरवाइज़ जे आपां सदे जाके एक्सरसाइज नूं पै जाएंगे तो वी कैन गैट इंजर्ड एज वैल। स्टार्ट करता मैं अपना वर्कआउट रनिंग तो, रनिंग वी आर जस्ट डूइंग टू इनक्रीज आवर ब्लड सर्कुलेशन, वो नॉट ट्रेनिंग फॉर एनी स्टैमिना और एनीथिंग। तो 3-4 मिनट्स रनिंग करने तो बाद आप अपने शोल्डर जेडे जॉइंट्स वा उन्होंने वार्म अप करा। तो इट इज़ वैरी इंपोर्टेंट कि आप जो अपने रोटेटर कफ्स वा तो अपने जो शोल्डर जॉइंट्स आ उन्होंने वार्म अप करिए। बिकॉज वैरी कॉमनली आप देखते हैं कि जेडे लोग जिम जाते हैं लेटर ऑन लाइक जो 2-3 साल उन्होंने हो जाते जिम जाते उन्होंने शोल्डरस दी बहुत प्रॉब्लम आदि। तो मेन रीज़न आही हों कि अपना जो शोल्डर आ उन्होंने वार्म अप नहीं करते। मेन रूल ऑफ थंब यह कि जो तुम अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं यू शुड वार्म अप योर शोल्डर बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट ताडे जो शोल्डर जॉइंट्स आ इनवॉल्व होंगे। तो इस करके जरूरी है कि तुम अपने रोटेटर कफ्स के शोल्डर जॉइंट्स न चंगी तरीके वार्म अप करो। तो आफ्टर तुसी अपने शोल्डर जॉइंट वार्म अप कर ले सिमिलर तरीके ही तुसी अपनी हिप जॉइंट्स नू भी वार्म अप करना। तो उस तो बाद तुसी अपने एब्स भी ट्रेन कर सकते हैं, यू कैन डू स्क्वाट्स। तो अगेन देर इज़ नो सर्टेन लाइक स्पैसीफिक सैट ऑफ रूल्स कि तुसी आही एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली अपना मोटिव जिहड़ा हैगा वह है कि आप अपनी बॉडी नू रेडी करना फॉर द वर्कआउट हैड। ऑल राइट, सो आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज अपनी जी होगी वह हैगी पुलअप्स। सो पुलअप्स इज़ अ बॉडी वेट मूवमेंट। तो मैं हमेशा पुलअप्स अपने स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट से करता हूँ बिकॉज वैन यू आर गोइंग टू द जिम तुम फ्रैश हाँ ताे फटीक नहीं है बॉडी के। सो ऑलसो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इस करके मैं अपनी बिगनिंग रखता हूँ वर्कआउट के। पुलअप्स वा ये मेन अपना फोकस जिहड़ा इन्हां दा हुंदा उहदे लैट्स दे उत्ते। लैट्स अपने बैक दे आउटर मसल हुंदे जिहड़ी कि अपने बैक नूं एक वी टेपर लुक दिंदे आ। बट इट्स अ बॉडी वेट एक्सरसाइज़ ते तुसीं अपनी पूरी बॉडी लिफ्ट कर रहे हैं। सो इट विल बेसिकली ट्रेन योर होल बैक। तो यह भी एक रीज़न आ कि मैं अपनी बिगनिंग रखदा सो जिहड़ी मेरी पूरी बैक आ वह एक्टिवेट हो जाए। तो आई डू इट फॉर 50 रैप्स। तो तुसीं इहनूं किसी भी तरीके नाल डिवाइड कर सकते हैं, 10-10 करके करना, 10-10 करके कर लो या घट या वध डिपेंड्स ऑन यू। तो बेसिक अपना रूल यह है कि आप 50 पुलअप्स करनी आ बिगनिंग दे विच। मूविंग ऑन फ्रॉम द पुलअप्स अपनी जी सैकेंड एक्सरसाइज होगी वह हैगी लैट पुल डाउन। सो लैट पुल डाउन अगेन इट्स अ वैरी सिमिलर मूवमेंट टू पुलअप्स। तो मैं अपन जीडिया पुल मूवमेंट्स होंदिया वो अपने मैं वर्कआउट के बिगनिंग रखता बिकॉज आई फील स्ट्रोंगर एट दैम इन द बिगनिंग। जे मैं लगता कि मैं पहला अपन रोज़ करदा वा तो रोज़ आर द हॉरिजोंटल पुल्स तो जिहड़ियां पुलअप्स होंदियां उहदे वर्टिकल पुल्स, ठीक है। से जे मैं लगता कि मैं अपने रोज़ पहला करदा दैन आई फील लाइक आई कांट लिफ्ट एज मच वेट अपनियां पुल्स दे विच, दैट्स वाई पुट दैम इन द बिगनिंग। तो लैट पुल डाउन दे विच आपां करांगे 4 सैट्स अगेन। तो रैप रेंज अपनी होगी 10-12, ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट टू पुलअप्स। बट डिफरेंस ये आ कि इहदे विच आपां जिहड़ा अपना लोड आ उहनूं इनक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी नीड दे अकॉर्डिंग। तो बेसिकली आप अपनी लोड नू इनक्रीज़ करांगे इन द लेटर सैट्स वी विल इनक्रीज आवर लोड। सो जो अपना लास्ट सैट होगा दैट विल बी द हैवीएस्ट वन।
सो आफ्टर लैट पुल डाउन जिहड़ी कि अपनी थर्ड मूवमेंट होगी वह हैगी मशीन रोज़। नाउ मशीन रोज इज़ प्रोबेबली वन ऑफ माई फेवरेट बैक एक्सरसाइज। जब मैं अपनी बैक ट्रेन करनी है दैन दिस इज़ एन असेंशियल मूवमेंट बिकॉज ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज आई जस्ट फील द मोस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन माई बैक, लाइक मैं एक्चुअली अपनी बैक न वर्क हों फील कर सकता ये। आई डू 4 सैट्स ऑफ दिस, आई कीप द रैप रेंज फ्रॉम 12 to 15। तो बेनीफिट अपनी अपन एक होर इस एक्सरसाइज का यह है कि वी बैलेंस द वेट विद आवर फीट, ठीक है। सो अपनी लोअर बैक पर कोई भी स्ट्रैस नहीं आता ये, तो यू कैन लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। या सो 4 सैट्स एंड 12 to 15 आप रैप रेंज रखा। Alright, so here's another angle for you guys. And since there was no one to shoot me, तो मैं खुद ही पंगे पुंगे लैके इधर उधर रखे से अपना फोन तो ट्राईपॉड के नाल। तो सो वी गोना कीप द थर्ड एंगल इन बिकॉज मेहनत लगी है मेरी ये उत्ते। तो आफ्टर दैट वी विल डू द फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज फॉर आवर बैक। सो आफ्टर मशीन रोज़ जिहड़ी अपनी फोर्थ ते लास्ट मूवमेंट होगी वह हैगी आ बारबल रोज़। सो बारबल रोज़ इज़ अ कंपाउंड मूवमेंट, अगेन ताड़ी पूरी बैक नू ट्रेन करूगी, जिदा कि अपने पुलअप्स सीगिया जिहड़ियां बारबल रोज़ आ अपनी पूरी बैक नू ट्रेन करूगी, जिहड़ी ताड़ी लोअर बैक आ, ताड़े लैट्स आ, ताड़े रोमबॉइड्स आ, ताड़े ट्रैप्स आ, सारे वर्कआउट होणगे इस एक्सरसाइज दे विच। ईवन योर लैग्स विल बी एक्टिवेटेड बिकॉज तुसीं वेट नू बैलेंस करोगे अपनी लैग्स दे नाल। ते कंपाउंड मूवमेंट्स दा बेनीफिट आपां नूं इही हुंदा कि अपना जिहड़ा फोकस आ एक मसल ते नहीं हुंदा, एज अपोज टू लाइक आइसोलेशन मूवमेंट्स कोई भी तुसीं मशीन ते करदे आ। ते जो तुसीं फ्री वेट्स नाल करदे आ कंपाउंड मूवमेंट्स, तुहाडीआं जिहड़ीआं मोर दैन वन मसल ट्रेन हुंदी आ ते आपां नूं बेनीफिट आपां नूं घट टाइम दे विच ज़्यादा बेनीफिट मिलदा। सो राइट नाउ तुसीं स्टार्ट करो लोअर वेट दे नाल बिकॉज ताड़ी लोअर बैक दे उत्ते स्ट्रैस आऊगा जे तुसीं स्टार्टिंग दे विच ही तुसीं हैवी वेट चकना शुरू कर दूंगे, ते बाद चो प्रोग्रेसिवली वेट नू इनक्रीज़ करो। ते अगेन लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग वेट लिफ्टिंग बैल्ट इन योर हैवीअर सैट्स, तुहानू लगता कि ताड़ी लोअर बैक तो ज़्यादा स्ट्रैस आ रहा है यू कैन यूज़ वेट लिफ्टिंग बैल्ट। तो बेसिकली इन द लाइटर वेट्स यू डोंट नीड इट बिकॉज ताडे एब्स जिहड़े ताडे कोर वा दैट इज़ इनफ के वह जिहड़ा ताडा वेट आ जिहड़ा बारबल का वेट आनू बैलेंस आउट कर लवे। बट इन योर हैवी सैट्स इफ यू फील लाइक यू नीड इट दैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो इस एक्सरसाइज के रैप रेंज आप बहुत ज़्यादा नहीं रखा, वी गोना कीप आवर रैप रेंज फ्रॉम 6 to 10। तो स्टार्ट करेंगे 10 तो प्रोग्रेसिवली अपना लास्ट सैट जो होगा that will only include 6 reps only. Alright, so after our back, I'm gonna train
अपना सैकेंड मसल ग्रुप जिहड़ा कि हैगा ट्रैप्स। सो ट्रैप्स की मैं सिर्फ एक ही मूवमेंट करदा विच इज़ बारबल श्रग्स। तो बट द रीज़न आई डू ओनली वन मूवमेंट इज़ बिकॉज एक तो अपने को इन्ना टाइम नहीं हुंदा जिम दे विच कि आप दो दो तीन तीन घंटे उत्थे बैठे रहिए। तो सैकेंड रीज़न इहदा इह आ कि ट्रैप्स इज़ नॉट अ वेरी बिग मसल। ठीक है, सो ये मैं सिर्फ एक ही मूवमेंट रखदा बारबल श्रग्स। आई डू 5 sets ऑफ दिस विद हैवी वेट। सो यदी इंटेंसिटी हाई होंगी है तो इस करके आई फील है कि मैं सैकेंड एक्सरसाइज की लोड़ है नहीं। तो सो या सो आई बेसिकली डू 5 sets। तो रैपरेंज मेरी हाई रखता बिकॉज जेडे अपने ट्रैप्स आ वह वधिया रिस्पोंड करते जो रैपरेंज हाई होंगी। यू कैन लाइक एक्चुअली फील द बर्न इन दैम। तो 15 to 20 रैपरेंज होंगी है तो 5 sets होंगे। सो आफ्टर आई कंप्लीट माई वर्कआउट आई गो टू द जिम बाथरूम एंड आई टेक पिक्चर्स ऑफ माई सैल्फ। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इन तुम स्किप भी कर सकते हैं बट सिंस तुम वर्कआउट किया हों एंड योर बॉडी इज़ ऑल पंप्ड अप एंड यू लुक लाइक अ फकिंग रिगॉर्ड। सो तुम मेरी तो एडवाइस होगी कि यूज़ दैट टाइम तो अपनी वधिया वधिया एंगल ना फोटो लवो लाइक आई एम टेकिंग राइट नाउ। नाउ विद दैट बींग सैड आई जस्ट शॉट माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। A task I had been putting aside from more than a year. I was nervous. I was like anxious ke like loki mere al dekhange like pata nahi footage vadhiya aaugi ya nahi. You know there's all these things jehde tu sochde apne mann de vich. But sometimes the thing that's holding you back is actually keeping you from your freedom. When you do that, you actually feel free. You know, you feel light. तो मैनू नहीं पता मैं इंस्टाग्राम पोस्ट तो देखा कि मैं आई जस्ट गेव यू गाइज डिवाइन विजडम पर दैट इज़ जस्ट हाउ आई फेल टूडे। यू नो आई वॉज लाइक प्रोक्रेस्टिनेटिंग फ्रॉम मोर दैन ईयर एंड दैन आई वॉज लाइक फक इट लाइक हु गिव्स अ शिट। है ना कि जो तुम करना इफ यू वांट टू डू इट दैन डू इट। या तो आई शॉट इट तो राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग द वॉइस ओवर। तो लेट मी टेल यू लिसनिंग टू योर ओन वॉइस इज फकिंग टॉर्चर ऑल राइट बट आई एम स्टिल गोना डू दिस आई एम स्टिल गोना फिगर आउट हाउ टू एडिट दिस थिंग ते आई एम गोना पोस्ट दिस ऑन यूट्यूब। आई एम डन विद द वर्कआउट आई एम गोना गो होम आई एम गोना एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल डे ते फिगर आउट हाउ टू एडिट दिस थिंग। ऑल राइट टेक केयर बाय बाय।